हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रेवा एकेडमी। दिस इज योर एजुकेटर निकिता किशन। बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, व्हिच इज द चैप्टर ऑफ क्लास 9 साइंस। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा लोग, सबसे पहला टॉपिक है इसमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन Which is given by, सबसे पहले से किसने दिया था? एंटोनी एंड लवोइशियर। ओके, एंटोनी एंड लवोइशियर ने सबसे पहले लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात कही थी। और इन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देयर आर टू लॉज विच आर, फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ combination, law of conservation of mass. Okay, and second law is law of constant proportion. Okay, फर्स्ट लॉ, सबसे पहले हम देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का फर्स्ट स्टेटमेंट है बेटा कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कन्वर्ट्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दैट मीन्स मास ना ही क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, इसे सिर्फ हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, एंड सेकेंड डेफिनेशन इसकी है कि द सम ऑफ द मास ऑफ reactant is equal to sum of mass of product. अब reactant और product क्या है, पहले हम वो देख लेते हैं बेटा। statement लिख लेते हैं, mass can neither be created nor be destroyed. और सेकेंड डेफिनेशन है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ओके, हम देखते हैं रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। बेटा, रिएक्टेंट दैट मीन्स जो रिएक्शन के पहले होता है। मान लो कि मैंने लिया 1 liter of water, उसमें 50 ग्राम ऑफ शुगर मिलाई, तो वाटर एंड शुगर बोथ आर रिएक्टेंट। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बनेंगे बेटा, शुगर सायरप। जब दोनों को मिला दिया तो बना शुगर सायरप, और शुगर सायरप जो बना है एज अ प्रोडक्ट, दैट इज आवर प्रोडक्ट। ठीक है, तो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं हम किसे, रिएक्टेंट को, और राइट हैंड साइड में किसे लिखते हैं बेटा, प्रोडक्ट। ओके, अभी देखते हैं हम एग्जाम्पल लिए शुगर द एंड वॉटर, बोथ आर रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट क्या हुआ, शुगर सायरप। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। इफ आई से कि मैंने 100 ग्राम ऑफ वॉटर लिया, उसमें 50 ग्राम ऑफ शुगर मिलाया। ओके, जब दोनों को ऐड किया ना, तो शुगर सायरप का वेट कितना होगा बेटा, उसका मास होगा 150। ठीक है, दोनों को हमने ऐड कर दिया है, तो ये आ गया बेटा 150 ग्राम। तो यहाँ पे हमें पता चल गया, क्या देखेंगे हम, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। कैसे हमने देखा, मास ऑफ रिएक्टेंट मतलब 50 + 100 is equal to 150, तो 150 plus 100 क्या हुआ बेटा, 150, और ये 150 left hand side right hand side equal हो गया। यही था first law, this is law of conservation of mass। ठीक है, now we are going to discuss about law of constant proportion। okay, बेटा, अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक छोटी
की एक्टिविटी से समझते हैं, ठीक है। फर्स्टली एट ए कोनिकल फ्लास्क, दिस इज कॉल्ड कोनिकल फ्लास्क, हमने एक कोनिकल फ्लास्क लिया है। ठीक है, कोनिकल फ्लास्क में मैंने इसमें वाटर ले लिया है। ओके, इसमें मैंने लिया है वाटर। अभी एक ट्यूब हमने यहां लिया हुआ है, यहां मैंने एक टेस्ट ट्यूब ले लिया बेटा। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में हमने NaCl सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया है। वाटर का फॉर्मूला होता है H2। बेटा अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक एक्टिविटी से समझेंगे। हमने कंटेनर लिया, बीकर, कंटेनर, कोनिकल फ्लास्क कुछ भी ले सकते हैं, मैंने एक बीकर लिया। ठीक है, एक बीकर में मैंने एक टेस्ट ट्यूब रखा हुआ है। इस टेस्ट ट्यूब में, इस बीकर में हमने सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लिया है।